हेलो गाइज, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में। गाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। गाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट। इरामरा स्विच एक्सप्रेशन, इरामरा केस वन स्टेटमेंट, इरामरा केस टू केस कंडीशन टू स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया हूँ, फिर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ केस कंडीशन थ्री स्टेटमेंट। यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे दिया हूँ। अब मैं एक एक करके सबका मैं एक एक करके मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आप लोगों। गाइस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे HTML में दे दिया, जावास्क्रिप्ट कर दिया। स्क्रिप्ट दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे देता हूँ वेब गैस में यहाँ पर डिफाइड सेमी कोलन कर दिया और मैं इसको इंटर करके यहाँ देता हूँ। स्विच दे दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया डे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया यहाँ से केस डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया आपसे। अब यहाँ मैं देता हूँ पहले इंटर कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से। उसके बाद मैंने यहाँ पर केस वन गाइज मैं इस तरीके के दे दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे केस वन कर दिया। इस अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैं, इंटर किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने दे दिया, ऐसे मेरा सिक्स तक कर रहे हैं। यहाँ पे टू कर दिया, फोर कर दिया, यहाँ पे फाइव कर दिया। यहाँ पे करता हूँ सिक्स, उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया ब्रेक कर दिया। यहाँ मैंने दे दिया डिफॉल्ट, गाइस मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया हूँ। अब उसके बाद केस वन केस टू इसी तरीके में यहाँ पे सिक्स तक कर दिया हूँ। अब गाइज मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया, डबल कट कर दिया, टू डे इज टूडेज मंडे कर दिया था। यहाँ पे मैंने सेमी कलन कर दी लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में मैंने सेमी कलन दे दिया, यहाँ पे टूडेज मंडे यहाँ पे कर दिया हमें। यहाँ से मैंने इस सब को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ट्यूडे कर दिया। पहले मैं यहाँ पे सब को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फोर में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे फाइव में यहाँ पे नीचे आकर पेस्ट कर दिया। अब मैं सिक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरा यहाँ से हो गया, अब देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे नाम सब की चेंज करते हैं। गाइज मैं यहाँ पे दे दिया हूँ मंडे, ट्यूजडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ पे मैंने दे दिया। यहाँ पे ब्रेक दे दिया, यहाँ पे डिफॉल्ट दे दिया हूँ। गाइज मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इंटर द वीक डे। लास्ट मैंने सेमी कलन यहाँ पे दे दिया। गाइज आप देख सकते इस तरीके मैं यहाँ पे सब दे दिया हूँ। केस जीरो से मैंने वन टू ऐसे जीरो से लेकर मैंने सिक्स तक यहाँ पे दे दिया ये रहा सिक्स। उसके बाद देख कर दे, उसके बाद डिफॉल्ट दे दिया हूँ। डिफॉल्ट के बाद ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट है इंटर द वेल वीक डे। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट दे दिया हूँ, हेड दे दिया, बॉडी दे दिया, एचटीएमएल मैंने ये सब मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया, सेव करके रिफ्रेश किया, सेव कर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल एस कर दिया। गाइज मैं इसको अपने ब्राउजर में ओपन करके देखता हूँ किस तरीके है शो हो रहा है। मैं स्विच केस पे मैंने क्लिक कर दिया। गाइस यहाँ पे आ रहा है मेरा टुडे इज सैटरडे। गाइस मैं यहाँ पे इस तरीके में ये सब दे दिया हूँ, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब मैं इसको यहाँ कंट्रोल इस कर दिया। यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज में ओपन किया हूँ तो मेरा इस तरीके का है मेरा रिजल्ट आ रहा है। टुडे इज सैटरडे, इस तरीके में रहे प्रिंट हो रहा है, इस तरीके में रहे शो हो रहा है। गाइज मेरा यहाँ पे सैटरडे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इस तरीके का। गाइज ये रहा मेरा मंडे, छोड़कर मेरा से यहाँ से सिक्स में दिया होते
era one greater than era two. Two ra one rhyme ra greatness de ya era ra ye five five ra गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गाइज मैं यहाँ पे दे दिया हूँ फाइव, तो ये मेरा है सैटरडे, तो मेरा है सैटरडे यहाँ पे इस तरीके है शुरू हो रहा है, जैसे फाइव में मैंने 21 फाइव में मैंने सैटरडे दिया हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइव की जो जीरो जीरो कर दिया, मेरा जीरो में मंडे है तो मंडे प्रिंट होगा, मंडे शो होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल एस कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मंडे आ गया। इस तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस मैं यहाँ पे दे दिया फाइव कर दिया, यहाँ पे मेरा सैटरडे आ गया इस तरीके का। गाइज मैं अब यहाँ पे दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ केस कर दिया वन केस टू कर दिया, अब मैं इसको किया कंट्रोल ले कंट्रोल एस कर लेता हूँ। गाइज मैं यहाँ पे दे दिया हूँ केस जीरो है, केस वन केस टू कर दिया हूँ, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट है टूडे मंडे कर यहाँ पे है, यहाँ पे इसी तरीके मैं यहाँ पे इसमें कोई मैं चेंजेज नहीं किया हूँ, यहाँ पे मैंने केस वन केस टू यही यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, अब मैं किया कंट्रोल कंट्रोल एस किया, अब मैंने यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो मेरा सैटरडे का सैटरडे आ रहा है इस तरीके का। मैं बता रहा हूँ दूसरा स्टेप, गाइस मेरे को यहाँ पे डबल मंडे प्रिंट करना है, यहाँ पे डबल मंडे, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। गाइस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लास्ट में टू कर दिया, और मैंने इसकी कंट्रोल कंट्रोल एस कर दिया, अब ये फाइव है तो यहाँ पे मैंने कर देता वन, हमने वन हमने इसको किया कंट्रोल कंट्रोल एस कर दिया, मैं इसको सेव कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे आके जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैंने आ गया इस तरीके आ रहा है मेरा टुडे इज मंडे टू मैंने का यहाँ पर लास्ट में कर दिया हूँ, इस तरीके मेरा डबल प्रिंट हो रहा है इससे। गाइज में इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया, गाइज में अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज, ये मैंने यहाँ पे 50 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू ट्रू कर दिया यहाँ पे। गाइस मैंने यहाँ से मैंने यहाँ दे देता हूँ, यहाँ से सब हटा दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया केस एज कर दिया, यहाँ पे दे दिया 15 और एज कर दी, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया 20, लास्ट मैंने दे दिया सेमी कॉलन। अब मैं यहाँ पे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
तो मैं यहाँ पे दे दिया यू आर एलिजिबल, लास्ट में दे दी सेमी कलर। गाइज मैंने यहाँ से मैंने सबको यहाँ से हटा देता हूँ। डिलीट कर दिया यहाँ से। गाइस मैं इसके नीचे यहाँ पे दे देता हूँ केस, इसके बाद यहाँ से दे दिया मैंने एज कर दिया। कोड को मैंने यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ मैंने कर दिया 21 एंड एज 40 कर दिया। यहाँ पर मैंने सेमी कलन कर दिया। अब नीचे मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर। अब गाइस मैंने यहाँ पे दे दिया यू आर नॉट एलिजिबल, लास्ट मैंने दे दिया यहाँ पे सेमी कलर। गाइस मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, यहाँ पे 50 to 20 कर दिया हूँ। यहाँ पे 21 to 1 और 30 कर दिया। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट में मैंने मैसेज दे दिया हूँ। यहाँ पे मैंने ये मैसेज कर दिया यू आर एलिजिबल कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल कर दिया। यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक कर दिया और उसके बाद मैंने डिफॉल्ट में दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंटरव्यू वायलेट एज कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे लास्ट मैंने स्क्रिप्ट हेड बॉडी मैंने एचटीएमएल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ से किया कंट्रोल एस कर दिया। अब मैंने आया यहाँ पे, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे इस तरीके मेरा शो हो रहा है यू आर एलिजिबल, एलिजिबल है। अब मैंने यहाँ पे आया फिर से। अब गाइज मैंने यहाँ पे 15 की जगह पर 25 में कर देता हूँ, 25 कर दिया। गाइज मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे मैंने 25 कर दिया। यहाँ पे 50 की 50 है, यहाँ पे 21 से 30 मैंने कर दिया। यहाँ पे ऐसा मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर दिया। मैं आकर यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैसेज में आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। अब देख सकते हो इस तरीके मेरा मैसेज आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 15 कर दिया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। मैंने जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे यू आर एलिजिबल आ रहा है यहाँ पे इस तरीके। अब मैंने यहाँ पे 25 कर दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, इस तरीके का मेरा शो हो रहा है। अब गाइस मैंने यहाँ पे दे देता हूँ 35 कर दिया यहाँ पे। अब मैं किया इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं इसको किया कंट्रोल एस सेव कर लिया इसको। अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ रहा है इंटर द वैलिड एज।
इस तरीके का, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया हूँ एंड एज में है मेरा 50 to 20। ये मेरा लास्ट है, मेरा है मेरा 21 से लेकर 30 तक। तो मैं यहाँ पे 30 देकर देखता हूँ, मेरे 35 इसमें है ही नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे इस तरीके का आ रहा है द इंटर वैलिड एज। मैंने यहाँ पे कर देता हूँ 30 कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, यू आर नॉट एलिजिबल, इस तरीके का मेरा शो हो रहा है। गाइज ये रहा मेरा स्विच स्टेटमेंट। आई होप सो मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच।